समय हम वापस खड़े हैं टीकरी बॉर्डर पर। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है और जो कुछ भी हुआ दिल्ली की सड़कों पर उसके लिए अगर किसी को दोषी माना जा सकता है वो तो 100% मोदी सरकार है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से किसान यहाँ संघर्ष कर रहे थे, 3 कानूनों को वापस लेने के लिए लड़ाई कर रहे थे और लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लड़ाई को बिल्कुल दूसरे ढंग से जारी रखा है, उनका सब्र का बांध टूट रहा है और किसान देश की राजधानी दिल्ली को मोदी सरकार को बहुत साफ संकेत दे रहे हैं कि किसान के गुस्से को, किसान के दुख को वो सही ढंग से समझे और तुरंत उस पर एक्शन ले। छब्बीस की तैयारी में किस तरह से किसान लगे हुए थे, किसान महिलाओं ने रात रात भर जाग कर किस तरह से तैयारी की, इसके लिए हमने पूरी रात टीकरी में उनके साथ बिताई। ये तमाम लोग जो भारत के निवासी हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, इन सब की मांग है कि वे इस देश पर अपना हक उसी तरह से मानते हैं जिस तरह से ये मोदी सरकार, और अगर किसान इस 3 कानूनों के खिलाफ है तो मोदी सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। हर आदमी, हर औरत एक ही ढंग से इस बात को रख रही थी हमारे सामने। हम विनती करते हैं मोदी से, मोदी जी कृपया कीजिए, आपके हाथ में है, आप काले कानून रद्द कर सकते हो। सरकार ने कल खुशियां मनाउनियां ने, साहसी कबदा रोस विखाउणा हैगा भी जे साडी आजादी है फिर आ साडियां धीआं भैणां बच्चियां साडे 90-90 साल दे बजुर्ग ये क्यों फिर सड़कां ते रुलदे ने। इस समय हम रात के 9:20 पर खड़े हैं टीकरी बॉर्डर में, एक ऐसी जगह पर जहां पर महिलाएं बहुत लंबे समय से टेंट के अंदर रह रही हैं। आज की रात को कत्ल की रात कहा जा रहा है। कल गणतंत्र की तैयारी में 2-2 रैलियां, 2-2 परेड निकलेंगी। ये तमाम महिलाएं भटिंडा से आई हुई हैं और इस किसान परेड में, किसान के मुद्दों को आगे रखने वाली परेड में शामिल होंगी। आइए इस सर्द रात में हम जानते हैं कि ये महिलाएं देश से और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी से क्या कहने के लिए यहाँ मौजूद हैं। इतनी रात में इतनी ठंड में अभी आप क्या क्या सोचते हो, आपकी क्या करोगे आप? कोई ठंड नहीं ला देगी कोई चीज, हम जिन तेरे लाद नहीं करता जानते ही नहीं, हूँ नहीं जानते तुम। कल जो रैली निकल रही है, किसान परेड निकल रही है, क्या आप जाओगे उसमें? ये जावांगे झंडे चक के जी, असीं किसानां नूं पिछे रखांगे से अग्गे लगांगे मूरे। कल जो किसान की रैली निकलनी है, परेड निकलनी है, उसमें आप भी जाओगे जी? हाँ जी, असीं मूरे जावांगे जी, जिवें आखणगे उवें असीं तां इह तां दे नहीं जणा, असीं आखे जावांगे जी, असीं जदों अध्यापकां लई आए हां तुहाडे मोढे नाल मोढा ला के खड़ांगे जी, असीं नाल ही जावांगे। इतनी ठंड पड़ रही है दिल्ली में, तुसीं इत्थे क्या कर रहे हो? असीं अपने जिहड़े मोदी सरकार ने 3 काले कानून लिआंदे आ उन्हां नूं रद्द कराउण वास्ते इत्थे आए हांगे। असीं 26 तरीक तों जो 2 महीनिआं तों साडा संघर्ष चल रिहा है, उस संघर्ष दे विच असीं पूरी फैमिली आपदा योगदान पा रहे हांगे। हाँ जी, पूरा परिवार घर के असीं 10 मैंबर हाँ। असीं रोस मुजहरा करन आए हाँ, साडा भी हक बणदा, पहलां तां सानूं मंजूरी दित्ती नहीं सी भी नहीं कर सकते, हुण उहने खोलते दरवाजे, जावांगे असीं, साडा भी हक है दिल्ली च सेंटर च। इस समय रात के 11 बजे हैं, 25 जनवरी 2021 को रात में 11 बजे टीकरी बॉर्डर पर तमाम अलग अलग पेशों से जुड़े लोग देखने को उत्सुक हैं कि ये जो ऐतिहासिक क्षण है जब किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली रैली की तैयारी कर रहे हैं, तब गणतंत्र को बचाने की क्या क्या कोशिशें हो रही हैं, कैसे किसान के पक्ष में और लोकतंत्र के पक्ष में लोग खड़े हैं, और इसलिए हमारे साथ हैं नवशरण। नवशरण, आप अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च से जुड़ी हुई हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, तमाम मुद्दों पे बहुत प्रखर विचार रखती हैं। इस रात अंधेरे जहां कोहरा बहुत घिर गया है, सर्द रात है, क्या आपको लगता है, क्या महसूस हो रहा है आपको? आपने बहुत से गणतंत्र दिवस देखे, यह गणतंत्र कैसा दिखाई दे रहा है?
ये सचमुच में ही एक ऐसा 26 जनवरी है जैसा हमने अपने इतिहास में नहीं देखा। झांकियां तैयार हो रही हैं, जिस तरह से खुदकुशी किए हुए परिवारों की झांकियां जो हैं वो उन ट्रैक्टरों पे बनाई गई हैं। लोगों ने अपने दुख तकलीफ जो हैं वो कल पूरे मुल्क के सामने रखने हैं। बहुत सारी बहनों ने ये कहा कि हम खुश नहीं हैं, कोई हम यहाँ पे जश्न नहीं मना रहे, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम क्या दुख तकलीफ़ें झेल रहे हैं और इस गणतंत्र से हमारा मतलब क्या है। ये जो एक ट्रैक्टर मार्च है और ये जो पूरा एक मार्च है, ये उसी पीड़ा का एक संदर्भ है। और आज वो बार बार ये कह रहे थे हम खुश नहीं हैं, ये कोई पर्व नहीं है, पर ये फिर भी हमारा एक तरीका है इस रिपब्लिक को रिक्लेम करने का। जितने भी हमारे जो सरकारी लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं और पुलिस वाले भी, जिस तरह से, और बहुत सारे मिनिस्टर भी जो टीवी पे बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं किसानों को इजाज़त दी जाएगी, जब हमारी परेड ख़त्म होगी तो वो अपनी परेड शुरू करेंगे। तो ये तंत्र हमारे और तुम्हारे में तो बट ही चुका है, और जब बट ही चुका है तो कल फिर किसान लोग जो हैं वो अपना तंत्र दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि ये वाकई में एक ऐतिहासिक दिन है। इतनी मुबारक 26 जनवरी शायद इस देश ने इससे पहले कभी नहीं मनाई होगी। इस तरह से 26 जनवरी को मनाया जा सकता है या मोदी सरकार ने कभी नहीं सोचा होगा। पूरे देश में किसान सड़क पर हैं और यहाँ दिल्ली की सरहद पर जिस तरह से किसानों का जत्था अलग अलग ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में मौजूद है, उससे पता चलता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए किसान, महिला किसान, मजदूर किसान, सारे लोग एक साथ एकजुट हैं और मोदी सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक संदेश दे रहे हैं। वे ठंड से नहीं रुक सकते, वे पुलिस और फौज से नहीं रुक सकते, उन्हें कोई भी चीज़ डरा नहीं सकती। वे इस लोकतंत्र, इस गणतंत्र को बचाने के लिए किसान गणतंत्र परेड निकाल रहे हैं। इस समय न्यूज़ क्लिक की तरफ से हम मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर पे, जहाँ किलोमीटर लंबा, कितना किलोमीटर लंबा जाम है यह तो बताना बहुत मुश्किल है। हम 10 किलोमीटर से ऊपर आ चुके हैं और अभी तक जो जत्था है वह वैसे के वैसा बना हुआ है। बूढ़ी महिलाएं, किसान महिलाएं से लेकर सारे लोग, नौजवान, बड़ी संख्या में मोदी सरकार को सबक सिखाने के लिए अपनी परेड निकालने पर उतारू हैं। एक आदमी की एक ही अड़ी है कि मैंने नहीं वापस लेने कानून। ये इतनी जनता, ये मूर्ख है क्या? इनको समझना चाहिए कि किसान जब अपने हक, किसान के फैसले हैं, किसान ही खेती करता है, तो इनको ज़्यादा पता है या जो आदमी कुर्सी पे कानून बना के रात को 12 बजे होता है ऑनलाइन, ठीक है, मीडिया पे आता है, वो अपने कानून पास कर जाता है बस। यार पार करके जावांगे रे। हां जी, इससे गंदी सरकार नहीं बनेगी, सबसे गंदी सरकार है। गंदा प्रधानमंत्री झूठा कोई नहीं आ तो। इस प्रधानमंत्री बड़ा दुनिया में ना पैदा हो, इतना गंदा प्रधानमंत्री है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। कितनी ठंड में तुसी इत्थे बैठे हुए हो, हम की करिए? हैं, थोनू पता ही है, हैं, थोनू पता ही है। कितनी उम्र हो गई आपकी? दिल्ली जावांगे। आपकी उम्र कितनी है? उम्र तो हो 70 साल दी।